हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 23/2 और 5/5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या 2/3 दिया और 5/2 दिया, मतलब जो हर के अभाज्य गुणनखंड है और 2 और 5 के रूप में ही है, और 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 7 होगा। और फिर भी इसको हम सॉल्व कर दिखा देते हैं, ये सेम 23 का जगह 23 उतार देते हैं, ये जो है सेम उतार देते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया, 2/3 है, इसलिए 2 गुना 2 गुना 3 बार ले देते हैं, और यहाँ 5/2 है, इसलिए 5 गुना 5 ले देते हैं। अब यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं 2 और 5 के तहत यहाँ पर कुछ भी नहीं आया हर के अभाज्य गुणनखंड। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त नहीं है, तब यह दशमलव प्रसार 7 दशमलव प्रसार रहेगा। इसलिए 23/2 गुना 5/2 का दशमलव प्रसार 7 है। अब इसका आगे पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।